नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन, आई नजर डालते हैं इस खास खबर पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को हुई नीति आयोग की बैठक में विशेष राज्य का दर्जा की मांग खुलकर तो नहीं की, लेकिन उन्होंने बैठक में इस बात की चर्चा जरूर कर दी। सीएम ने ये साफ कर दिया कि पिछले नीति आयोग की बैठक की तरह वे बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग के साथ साथ राज्य के हित में जुड़े अन्य मुद्दे उठाते रहेंगे। नीति आयोग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कई मांगे रखी। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में बिजली की दर एक हो, यानी वन नेशन वन रेट। केंद्र सरकार को बिजली के दाम समान बनाने की दिशा में पहल करनी चाहिए। बिहार में हर घर बिजली पहुंच गई। राज्य सरकार सब्सिडी पर 5,000 करोड़ खर्च कर रही है। नीतीश ने कहा कि बिहार में उद्योग लगना बहुत जरूरी है, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। एथेनॉल के उत्पादन की दिशा में अब काम शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2007 में हमारी सरकार ने प्रस्ताव दिया था, तब की केंद्र सरकार ने उसको नहीं माना था, अब इस पर बात हो गई है। गन्ने से इथेनॉल बनाने का काम शुरू होगा। इथेनॉल से पेट्रोल डीजल का विकल्प मिलेगा। बिहार में जो पैसा जमा होता है विकसित राज्यों में चला जाता है। सीडी रेशियो बढ़ना चाहिए। बिहार के बैंकों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा जमा होता है, लेकिन केवल 1.25 करोड़ का ऋण यहाँ मिलता है। इसलिए केंद्र सरकार यहाँ व्यवस्था करे कि राज्य का पैसा जो बैंकों में जमा हो रहा है वो राज्यों को दिया जाए। तो ये थी हमारी इस वक्त की खास अपडेट, और इसी तरह की हर छोटी से बड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।